कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अब तक 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच इटली ने दावा किया है कि उसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफलता मिल गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जो इंसानों पर भी असरदार है। यह रिपोर्ट रोम के इन्फेक्शन डिजीज पेलेंजानी हॉस्पिटल में हुए परीक्षण पर आधारित है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन ने चूहों के शरीर में एंटीबॉडीज जनरेट की है जिसका असर इंसान की कोशिकाओं पर भी होता है। दवा बनाने वाली एक फर्म ताकिस के CEO लिगी ओरेशियो ने एक रिपोर्ट में बताया, यह इटली में वैक्सीन का परीक्षण करने वाले उम्मीदवारों का सबसे बड़ा एडवांस स्टेज है। वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों ने चूहों का इस्तेमाल किया था। सिंगल वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने चूहे के शरीर में एंटीबॉडीज को विकसित होते देखा जो मानव कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले कोरोना वायरस को ब्लॉक कर सकता है, और इस इशू को उम्मीद है कि गर्मियों के बाद वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। बता दें कि इटली दुनिया का तीसरा देश है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनमें 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।